बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 2, यूनिट नंबर 13, लेटर टू द न्यूज़पेपर एडिटर, पेज नंबर 125। थर्डली, द ओरिजिनल आइडिया बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ वेरियस मीडिया मीन वॉज टू एंटरटेन मासेस। रेडियो, टीवी, सिनेमाज एंड मैगजीन स्पेंड most of their resource targeting on entertaining items and programs. Thirdly, teesra, the original idea behind the creation of various media means was to entertain masses. teesra, mukhtalif zarai ablaq ke बनाने के पीछे असल मकसद आवाम को तफरीह मुहैया करना था। रेडियो, टीवी, सिनेमास एंड मैगजीन स्पेंड मोस्ट ऑफ दियर रिसोर्सेज टारगेटिंग ऑन एंटरटेनिंग आइटम्स एंड प्रोग्राम। रेडियो, टीवी, सिनेमा और रिसाले अपने ज़्यादातर वसाइल का इस्तेमाल टारगेटिंग इस हदब को पानी में करती हैं। एंटरटेनिंग आइटम्स एंड प्रोग्राम्स के तफरीही चीज़ें और प्रोग्राम पेश की जाए। बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग of the growing population and developing lifestyle, बढ़ती हुई आबादी और तर्ज ज़िंदगी में तरक्की की वजह से the demand for more entertainment is increasing। तफरीह में इजाफे का मुतालिबा बढ़ता जा रहा है। Every year billion are traded in entertainment industry। हर साल तफरीह की सनत में अरबों रुपए लगाए जाते हैं। One of the major duties of the media today is to inform the people about the latest happening around them and the world। आजकल मीडिया का बड़े फराइज में से एक ये भी हैं कि वो लोगों को इनके गिर्द और दुनिया में वाकया होने वाले नए वाकयात के बारे में आगाह करें। दे कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ आवर इंटरेस्ट लाइक वेदर, पॉलिटिक्स, वॉर, हेल्थ, फाइनेंस, साइंस, फैशन, म्यूजिक एक्सेट्रा। वो हमारे दिलचस्पी के तमाम पहलू जैसा कि मौसम, सियासत, जंग, सेहत, माईशियत, साइंस, फैशन, मौसीकी वगैरह का इहाता करती है। द नीड For more and more news has evolved into the creation of dedicated TV and radio channel and magazine। खबरों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत टीवी और रेडियो चैनल और रिसालों की सूरत में पूरा हो चुकी है। The people can listen, watch and read latest news whenever and wherever they want। लोग वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ताज़ा तरीन खबरें जहां चाहे। फर्दर,
पीपल कैन लिसन वॉच एंड रीड लेटेस्ट न्यूज वेन एवर एंड वेयर एवर दे वॉन्ट. लोग जब और जहाँ चाहें ताज़ा तरीन खबरें सुन देख और पढ़ सकते हैं. फर्दर मोर मीडिया इज द ओवरसीयर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम. इसके अलावा मीडिया सियासी निज़ाम पर नज़र रखने वाली भी है. इफ़ इट प्ले इट्स रोल ऑनेस्टली, अगर ये अपना ड्यूटी ईमानदारी से अदा करे, इट विल बी ए ग्रेट फोर्स इन बिल्डिंग द नेशन. तो कौम की तामीर में एक मजबूत क़ुव्वत साबित होगी. इट प्ले ए ग्रेट रोल इन द ब्रिंगिंग कॉमन मैन क्लोज टू दियर लीडर. और ये आम आदमी को उनके रहनुमाओं के करीब लाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है. द मीडिया फोकसेस ऑन ब्रिंगिंग डिटेल ऑफ ऑल मेजर पॉलिटिकल सिचुएशन डिसीजन एंड सिनेरियोस. मीडिया तमाम बड़ी सियासी हालात फैसलों और मंजरनामों की तफसीलात मंजर आम पर लाने पर अपनी तवज्जो मरकूज रखती हैं. मीडिया सियासी हालात फैसलों मंजरनामों की तफसीलात मंजर आम पर लाने के लिए अपनी तवज्जो मरकूज रखती हैं. Hence, people can better understand their rights and make better decision. इसलिए लोग अपने हुकूक के बारे में बेहतर जान सकते हैं और बेहतर फैसले कर सकते हैं. इसलिए the people can better understand their rights and make better decision. इसलिए लोग अपने हुकूक के बारे में बेहतर जान सकते हैं और बेहतर फैसले कर सकते हैं. एज द पावर ऑफ मीडिया इज सो एक्सटेंसिव एंड ह्यूज, इट कैन बी यूज टू एजुकेट पीपल विद वेरी लिटिल कॉस्ट. जैसा कि मीडिया की ताकत इतनी वसी और बड़ी है, इट कैन बी यूज टू एजुकेट पीपल विद वेरी लिटिल कॉस्ट, कि उसे बहुत कम खर्चे पर लोगों को तालीम देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इमेजिन ए क्लासरूम इन एवरी सिटी विद थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट बींग टॉट बाय जस्ट वन टीचर. हर शहर में एक कमरे जुमात का तसव्वुर करें जिसमें हज़ारों तलबा को एक उस्ताद पढ़ाता है. बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ मनी मेकिंग अप्रोच ऑफ मीडिया एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट बाय द गवर्नमेंट, लिटिल वर्क इज डन इन स्प्रेडिंग एजुकेशन. लेकिन बदकिस्मती से मीडिया को पैसे कमाने की सोच और हुकूमत की बेतवज्जी की वजह से तालीम को फैलाने में बहुत कम काम किया जाता है. लेकिन बदकिस्मती से मीडिया को पैसे कमाने और हुकूमत की गैर दिलचस्पी की वजह से तालीम को फैलाने में बहुत कम काम किया जाता है. थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे.